हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए रिसेंटली मैंने आपको दिखाया था कुछ इस तरीके की सिलिकॉन मोल्ड आती है रोज डिज़ाइन में, जैसे आप अपने क्राफ्ट वर्क में यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मैं आज आपको इसी वीडियो पे दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी बॉटल को डेकोरेट कर सकते हैं इस रोज डिज़ाइन से। और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको अपनी ग्लास बॉटल को डेकोरेट करना है। बस आपको कुछ इस तरीके की आपको रोज़ की डिज़ाइन की सिलिकॉन मोल्ड को लेना होता है और अपनी ग्लास बॉटल को डेकोरेट करना है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से आप अपनी ग्लास बॉटल को डेकोरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरीके की सिलिकॉन मोल्ड का यूज़ करना है तो कुछ इस तरीके की आपको मॉडल चाहिए जो फ्लैट चाहिए, और साइड से मैंने स्केच पेन से उसमें ब्लैक डिज़ाइन दे दिया है जिसपे मैं क्ले का मतलब उसमें पेस्ट बनाने वाला हूँ, जो एक तरीके का बॉर्डर है जो राउंड शेप में या ओवल शेप में आप बना सकते हैं इस तरीके से। और इस पर हम ले लेंगे, देखिए सिलिकॉन मोल्ड मैंने ले लिया है जिसपे मैंने क्ले से इसको निकाल के रख रखा था। ये ड्राई हो जाती है 2 आवर्स में, तो आप इसमें मोल्ड का यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से देखिए सिंपली आपको बड़ा छोटा और उससे छोटा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से पेस्ट करना है, और आपको क्ले से इस तरीके से लीफ बना लेनी है। और लीफ बनाने के बाद पूरे बॉटल पे मैं इसमें व्हाइट प्राइमर का यूज़ कर दूंगा, जिसके बाद हम कलर करते हैं। जैसे कि मैंने आपको हर बार बताया है कि व्हाइट प्राइमर कर दीजिए, उसके बाद ही आप उसमें दूसरा कलर जब चढ़ाएंगे तो उसमें आपका जो कलर है बढ़िया हो जाता है। और इस तरीके से देखिए गोल्डन कलर का मैंने इसमें अप्लाई किया जिससे एंटिक लुक आ जाए। और लास्ट में मैंने इसमें वार्निश कर दी है, इसमें मैंने वार्निश करी है ग्लॉस वार्निश। इस तरीके से आप डेकोर वार्निश का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसमें वुड वार्निश कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि लॉन्ग टाइम के लिए अगर आपको वार्निश चाहिए तो इसमें वुड वार्निश का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी बनाना है, जल्दी ड्राई करना है, तो ग्लॉस वार्निश का आपको यूज़ करना पड़ेगा, जो आपकी जो वार्निश आती है डेकोर वार्निश के नेम से आती है। और अगर आपको चाहिए कि थोड़ा सा लॉन्ग टाइम आपको ज़्यादा टाइम है तो आप 12 आवर्स का टाइम दे सकते हैं एक्स्ट्रा वार्निश के लिए, तो आप उसमें वुड वार्निश कर सकते हैं, क्योंकि वो ड्राई होने पर 12 आवर्स ले लेती है। उससे पहले आप उसको टच भी नहीं करना है, पूरा आपको वार्निश कर देना है। और उससे पहले जब तक वो पूरा प्रॉपर ड्राई नहीं हो जाता 10 to 12 आवर्स आपको रुकना ही पड़ेगा, जिसको वो प्रॉपर ड्राई हो जाती है। और इस तरीके से आप अपनी बॉटल को डेकोरेट कर सकते हैं। इस बॉटल की मैंने पूरी फुल वीडियो भी बना रखी है, तो आप स्टेप टू स्टेप देख सकते हैं कि कैसे आपको इस बॉटल को डेकोरेट करना है। Thank you.